कलयुग खत्म हो चुका है, मगर अभी बोलबाला कलयुग का ही है। अगर ऐसा विस्फोट होगा कि दुनिया चकाचौंध रह जाएगी, ये क्या होगा? अरविंद की भविष्यवाणी है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। अब विज्ञान वाले बोलते इसलिए नहीं कि एड्स कैंसर खत्म करो, वो कहते हैं अब इसके बारे में कहेंगे तो वो कहेगा जी पहले ये तो बता दो इसका क्या फैसला है। तो ये तीनों कोष चेतन करेगा, भारत करेगा, समझे न समझे। इसलिए मैं बैठ जा रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है। 81 साल की उम्र है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि 16 घंटा ऊपर ऊपर आसमान में रहना, 81 साल का बूढ़ा कैसे रहेगा मैं ही जानता हूँ। मगर अब ये फोटो लगा दो भैया, मगर अब गुरुओं का आदेश है, गुरुओं का आदेश है। कलयुग के आदि गुरु मच्छंद्रनाथ जी थे, ये मच्छंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी, इनके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं, बता दूं आपको। एक दिन अमरनाथ पर्वत पे शिव पार्वती बैठे, तो पार्वती ने कहा महाराज आप तो न जन्मते हो न मरते हो, और मैं बार बार जन्मती हूँ फिर मरती हूँ, फिर तुम्हारे से शादी फिर मरती हूँ, ये मेरा ही पिता छुड़ा दो ना। तो शिव जी ने कहा चल अमर कथा सुनाता हूँ, और सुनाने लग गए। पार्वती को बेचारे को नींद आ गई, ओ मच्छंद्रनाथ मच्छी के पेट में बैठा बैठा हाँ हूँ कहता गया। जब शिव जी ने कहा क्यों देवी अब ठीक है, तो कह लगे महाराज मैंने नहीं सुना ये क्या हो गया। तो ध्यान लगाए तो मच्छंद्रनाथ बैठा, सुन ली अमर कथा, अब क्या बिगाड़ ले शिव जी उसका। तो उसी का आदेश है कि तेरे को विश्व धर्म बनाना तो वहां जा, इसलिए जाऊंगा एक बार नहीं कई बार जाऊंगा, समझे समझे। धन कमाना बहुत आसान है, धर्म धर्म कमाना बड़ा मुश्किल है, त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, चाहे डॉक्टर ने असाध्य बता दिया। पर अब 80% बीमारियां मानसिक तनाव से, मेंटल टेंशन से रिलेटेड 80%। और डॉक्टरों के पास नशे की दवाई के अलावा बेचारों के पास कुछ नहीं, नशा दे देते हैं, नशा 2-4-6 घंटे तक रहता है, नशा उतरा वो टेंशन वैसा, वो रोग वैसा। नशा तो हम भी करवाते हैं भाई, हम भी नशे को एक प्रॉपर इलाज मानते हैं, मगर वो नशा हम राम के नाम का करवाते हैं, राम के नाम का करवाते हैं। वो अभी चढ़ेगा आपको नशा, नानक देव जी ने कहा है भांग धतुरा नानका उतर जाए प्रभात, दिन भर भांग धतुरा पियो वो तो आर्टिफिशियल होता है, वो नशा उतर गया फिर दोबारा दोबारा पियो कबीरदास जी कहते हैं नाम अमल उतरे न भाई, नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल चिंचिट उतरे नाम अमल दिन पड़े सवाया। तो मैं जो आपको बताऊंगा नाम वो जपोगे तो आपको नशा आने लग जाएगा, अब भी से आने लगे और दिन दिन बढ़ेगा, समझे समझे। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद कहा है, दिव्य आनंद कहा है, अक्षय आनंद कहा है, इंद्रिय अतीत आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। गीता में 5 श्लोक है इस बारे में, मगर जब तक ये आनंद नहीं आता जब तक आदमी आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता। अभी छोटे बच्चे बैठे हैं खेल रहे हैं, इनको मेरी बात में कोई आनंद नहीं आया। अब ये जब 20-25 साल के हो जाएंगे तो इसको और किसी बात में आनंद आएगा, और मेरे जैसा 80 साल का बुढ़ा हो जाए फिर और किसी बात में। तो ये आनंद भौतिक सुख है, आनंद नहीं है, आनंद इंद्रिय अतीत है, ये इंद्रिय किसी भी से आता ही नहीं है। तो आपको अभी से आने लग जाएगा और मेंटल टेंशन खत्म और उससे संबंधित सारे रोग खत्म बिना दवाई के, हाइपरटेंशन लो हाइपरटेंशन बड़े अजीब अजीब रोग। यहाँ अरविंद माथुर है, मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो मेरा चेला है, आपकी तरह बैठ के दीक्षा लिया है। जब एड्स खत्म होने लगे तो मेरे से ने कहा डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं बोलो, कहने लगे भाई डॉक्टरों से अलग कैसे बात करूं,
फिर मेरे को मैसेज किया, गुरुजी आप बाहर घटने बटने की बात मत करो, उसमें हम आपसे छूट जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। एंटीबायोटिक ज़्यादा दे दिया, बाहर कम हो गया, हल्की की तो बढ़ गया बाहर। आप HIV वायरल लोड टेस्ट कराओ। और मैंने वायरल लोड टेस्ट कराना शुरू कर दिया। उसका 5,000 रुपये टेस्ट होता है, पैसे वाला हूँ। मैंने भाई कराओ तो वो 50 से नीचे आ गया, कईयों के नील भी हो, नील हो गया। अब वो हैरान हो गए डॉक्टर। फिर मैंने फरवरी में पिछले 2007 प्रोग्राम किया था जयपुर, तो दिगंबर सिंह जी थे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करो, जाके पूछो। वो आए थे अरुण माथुर, यहाँ पूछा, कहने लगे आपको पता नहीं है क्या, कहने लगे नौकरी नहीं करनी क्या मुझे, तो आपके डिस्चार्ज के हुए भंवरलाल और बद्री दोनों बैठे हैं ना अभी जिंदा, कहने लगे भाई नौकरी करो। वाकई वापस जाके गवर्नमेंट को कह दिया, अध्यात्म विज्ञान सत्संग के अंदर कोऑपरेट नहीं कर रहा, उल्टा मेरे पे दोष। और कितने बैठे हैं, लिस्ट दे दी मैंने, तो ये ऐसा परिवर्तन आएगा जो आज तक नहीं आया। अब शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से भी छुट्टी हो जाती है। पश्चिम वाले कहते हैं जी हम तो भगवान भगवान की परवाह नहीं करते, ये हीरोइन मारेगी, समझे। अफगानिस्तान में जितनी हीरोइन बनती है, आज भी बनती है, उस हीरोइन को रोकने के लिए अटैक हुआ था, आज भी बनती है, रोड 90% अमेरिका में घुसती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मेरे पास एक आया था किराड़े से, हिसार में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में दो का गांव है, एक गांव का नाम है किराड़ा, एक का किराड़ी। किराड़े से आया का एक सैनी, रणवीर सैनी, वो किसी कारण से हीरोइन के इंजेक्शन लगाने लग गया। तो पहले तो कंप्यूटर से लगवा लेता, और फिर बढ़ते बढ़ते 8-10 लगाने पड़े, तो फिर अपना मारता सुई, शरीर काला हो गया था, अफीम अपने जैसा बना लेता है अफीम। तो उसका एक बहन भी मेरे यहाँ रेलवे में ड्राइवर था, प्रताप सिंह सैनी, उसने कहा जी मेरे साले को तो एम्स वाले ने कह दिया है ये 2 साल में मरेगा। और उसने अपने छोटे छोटे एक लड़का एक लड़की थी शादी कर दी छोटों की, भी फिर कौन करेगा। आज वो पूर्ण स्वस्थ है, डॉक्टर मेरे पास आए, यहाँ आए, जोधपुर में आए, बीकानेर में आए। मैंने उस रणवीर सिंह को सैनी को देख लो, आज 10-12 साल हो गए, सूरतगढ़ में अपना कृषि फॉर्म पर ट्रैक्टर चला रहा। डॉक्टर कहते जी हमारे हिसाब से तो उसको जीने का हक नहीं। तो इस प्रकार नशा छूट जाता है। इस जोधपुर में कोई बाड़मेर में हजारों आदमियों नशा छूट गया। डॉक्टर कहते जी अब हम कैसे कहें नहीं छूटता, पर एक बात बताओ कि आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ गए। 20 साल से जो जहर खा रहा था वो 7 दिन में वो छूट जाए तो वो जहर का असर कहाँ गया। मैंने उनको कहा भाई मैं इस आपके आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता, मान लो मैं अफीम खाता हूँ, सुबह खाया चाय पी नशा आ गया काम करने लग गया, शाम को नशा उतर गया, फिर डिमांड हुई, तो डिमांड हुई तो फिर सप्लाई करो। ये डिमांड आपके साइंस डिमांड नहीं खत्म कर सकती, समझे समझे। स्वामी विवेकानंद जी कहीं अमेरिका में स्पीच दे रहे थे, तो स्वामी वहाँ अमेरिकन एक ने खड़े को पूछा महाराज लेक्चर झाड़े और लंबे चौड़े आपका हमारा सौदा नहीं बैठना, आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी बड़े पहला पचड़ा, और हम सारे सारे मीट शराब खाने वाले लोग हैं तो सौदा नहीं बैठेगा। स्वामी जी चलते स्पीच में कह दिया यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। भाई आप उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको वस्तुएं आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करोगे। एक कोई राजपुरोहित मेरे पास आया, उसका जवाई ले आया, चलो अफीम छूट जाएगा। उसने कहा जी मत ले जाओ, मर जाऊंगा तो कहेगा कि पैसे नहीं थे जवाई ने ले जाके मार।